बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट रैफ कार्ड्स के हवाले से हम बात करेंगे। और उससे पहले यानी कि एक टर्म यूज़ करते हैं हम हॉकी में, जिसे हम कहते हैं कि जी मैन्युफैक्चर्ड ऑफेंस। क्या है मैन्युफैक्चर्ड ऑफेंस, क्या है इसके हवाले से बात होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जी हॉकी के खेल में मैन्युफैक्चर्ड ऑफेंस क्या चीज़ होती है। तो इसकी जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह होगी कि जब किसी हॉकी के खेल में आप खेल के दौरान किसी खिलाड़ी को ऐसी सूरत हाल से दोचार कर देना, खेल के दौरान आप जब किसी खिलाड़ी को ऐसी सूरत हाल से दोचार कर देते हैं कि वो फाउल करने पर मजबूर हो जाए, यानी वो फाउल करने पर मजबूर हो जाए, तो उसको हम मैन्युफैक्चर्ड ऑफेंस कहते हैं। खेल के दौरान बाज़ दफ़ा टैक्टिक से टैक्टफुली यानी कह रहे हैं कि बाज़ प्लेयर्स के अंदर ये टैक्ट होता है, टेक्निक्स होती हैं कि वो स्पेशली यानी गोल पोस्ट के अंदर दिफाई खिलाड़ी से ऐसा फाउल करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि दूसरी जो हमलावर टीम है उसको यानी कि वो पेनल्टी कॉर्नर वाला, यानी उसको ऐसी सूरत हाल से दो चार कर देना कि वो किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा फाउल करे जिसकी वजह से ये हो कि वो उसका फाउल का जो वो फ़ायदा है वो जो अटैकिंग टीम है वो उठा सके, और यानी खिलाड़ी को बाद सूरत हाल में इस तरह की सूरत हाल से दो चार कर देना कि वो हर सूरत फाउल करने पे वो रजामंद हो जाए या वो उसके पास कोई और ज़रिया ना हो, यानी फाउल उससे हर सूरत में फाउल का हो जाना, तो इस सूरत हाल में फाउल जो है वो हो जाना, तो इस सूरत हाल में अगर कोई फाउल करता है खिलाड़ी तो उसको यानी कि मजबूर कर देना फाउल के करने के अमल को, तो उसको हम मैन्युफैक्चर्ड ऑफेंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट अब जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे जी वो है जी कि हॉकी में शख्सी सज़ाएँ, यानी कि जिसके जिसे हम कहते हैं कि अंपायर जो है वो एग्जीक्यूशन है उसकी डिफरेंट डिसीजंस, डिफरेंट सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए खिलाड़ी की खिलाड़ियों की सूरत हाल को देखते हुए वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो आर्जी तौर पे या वार्निंग के सेंस में या परमानेंटली उसको खेल से निकाल देना किसी खिलाड़ी को, तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरह करते हैं उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो यानी नंबर वन है जी कि खिलाड़ी को सब्ज़ कार्ड दिखाकर यानी कि ग्रीन कार्ड जिसे हम कहते हैं, तो अंपायर जो रहता है बाज़ सूरत हाल में फाउल की नियत के देखते हुए खिलाड़ी अगर कोई जराना खेल खेल रहा है तो उसको तंबीह करने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रेफ इस तरह करते हैं कि ग्रीन कार्ड जो है वो दिखाते हैं ताकि उसे ये आर्जी तौर पे यानी उसकी उसे बताया जाए, उसको तंबीह की दी जाए कि अगर नेक्स्ट वो इस तरह की कोई भी सरगर्मी या कोई भी एक्टिविटी करने करेगा तो अल्टीमेटली उसको परमानेंटली तौर पे या फॉर द टाइम बीइंग जो है उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी कि येलो कार्ड के आर्जी तौर पर खिलाफवर्जी करने वाले खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखाया जाता है, दिखाकर कम से कम 5 मिनट तक अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो खिलाड़ी का कोई फाउल है तो ऐसा करता है तो उसको आर्जी तौर पर उसको 5 मिनट्स के लिए यानी खेल से मुअत्तल कर देना, उस सूरत हाल में जो है वो येलो कार्ड जो है वो दिखाया जाता है। और येलो कार्ड दिखाने से ये होगा कि खिलाड़ी को 5 मिनट के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा, उसकी जो जो गेम कर रहा है उस गेम से उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जी कि खेल के बाकी दौरानिए के लिए ज़ाब्ता शिकन खिलाड़ी को सुर्ख कार्ड दिखाना, यानी अगर कोई ऐसा संगीन किस्म का फाउल करता है जिसे दूसरे खिलाड़ी को शदीद किस्म की इंजरी होने का ख़तरा है या यानी कि रूल्स हॉकी के रूल्स एंड रेगुलेशंस से हट के कोई ऐसा काम सरजद करना जो संगीन नोयत का हो, ठीक है, और जिसको अंपायर समझे कि ये काम जो है हॉकी के रूल्स के मुताबिक नहीं है और इससे दूसरे खिलाड़ी को जो है वो खतरखा नुकसान हो जाएगा, तो इस सूरत हाल में उस खिलाड़ी को फिर संगीन नोयत की सरगर्मी करने से जो है उसको रेड कार्ड जो है वो दिखा के उसको परमानेंटली तौर पे मुअत्तल मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर दिया जाता है। इसको ये कार्ड्स की डिस्क्रिप्शन मैन्युफैक्चर्ड ऑफेंस का हमने डिस्कस किया जी, तो इसके बाद ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और रेड कार्ड की जो है वो किस तरह वो उनके प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है
उसके हवाले से हमने डिस्कशन की। थैंक यू वेरी मच।